हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम फर्स्ट यूनिट को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 99% चांसेस एग्जाम में आएगा ही आएगा। 99 आप 100 मान लो, 100% चांसेस है कि वो एग्जाम में हर हालत में आएगा। आज हम वैसा ही एक दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, ये भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये जो दो टॉपिक है इस फर्स्ट यूनिट में ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि ये आएगा, और आप 5 ईयर देखते हो तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में मल्टीपल ऑफ टाइम्स आए हुए हैं। तो अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल। इसको हिंदी में बोला जाता है चतुर्ध्रुव वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट। ये होता क्या है पहले वो देखते हैं। वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, देखो इस यूनिट के अंदर छोटी मोटी बेसिक्स डेफिनेशंस भी आती हैं, वो आपको पता ही होगी। जैसे किसी एटॉमिक किसी एटम को कैसे शो करते हैं, जेड इनटू ए, एक्स वो एटम होता है, तो जहां पे जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करते हैं, और यहाँ पे ए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को शो करते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है, ये इतनी बेसिक चीजें मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सब चीजें अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं तो हमें ये सब चीजें पता है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूक्लियॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन बोला जाता है। हिंदी में भी न्यूक्लियॉन बोला जाता है, इंग्लिश में भी न्यूक्लियॉन बोला जाता है। तो जैसे किसी एटम को शो करने का तरीका होता है कि एक्स, तो वो एटम जैसे कि जैसे अपने H12, इसका मतलब क्या है, H इज शोइंग हाइड्रोजन एटम, 1 इज शोइंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 2 इज शोइंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही शो कर रहा है ना। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में मुझे पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन कितना है, 2। अगर मुझे प्रोटॉन पता है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मैं निकाल सकती हूँ, वो कितना आएगा, 1। तो इस तरीके के ये छोटी मोटी डेफिनेशन दो नंबर में आ सकता है, और मैं ट्राई करूंगी कि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे डेफिनेशन को भी हम कवर अप करें। लेकिन अभी अपने ये टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट। जो छोटी मोटी डेफिनेशंस रहेंगी आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे कंटिन्यू। अभी हमें सोचना कि डेफिनेशंस छूट गई हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट शुरू करते हैं अपने, इसको पढ़ा रहने देते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट होता क्या है, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। देखो ये एक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है, नाभिक की प्रकृति होती है, नाभिक के गुण होते हैं कि अपने जब तक मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास सेंटर में सेंटर्ड है किसी न्यूक्लियस के, और इलेक्ट्रॉन क्या सर्कुलर पाथ पे या वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। यही चीज बोलते हैं ना, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मोशन करते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। तो वृत्ताकार पथ में गति करते रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट इसी चीज को दूर करता है कि हमने ये माना था, सॉरी वृत्ताकार पथ में ये चीज नहीं है। देखो हमने तो ये देखा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने उसमें सिर्फ हमें ये बताया कि न्यूक्लियस होगा कहाँ। तो अब न्यूक्लियस की बाकी की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमें इस चीज की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट एक ऐसी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है जो अपने को सिर्फ ये बताएगी कि न्यूक्लियस की शेप कैसी है। न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हमें पता है प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर, तो वो प्रोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से हैं। तो विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण अगर आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, तो आपको ये चीज बतानी है कि ये नाभिक की एक प्रकृति है या न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है या जो भी चार्ज है नाभिक के अंदर वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज किस तरीके से वितरित है, किस तरीके से नाभिक की सममिति है, सिमिट्री है, किस तरीके से न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। मेनली जब मैं आपको करवाऊंगी, जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट तो तभी आता है जब उसकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में सिमेट्री की बजाय असिमेट्री आती है। ये जो भी चीजें मैं जब करवाऊंगी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी तक आप इतना ध्यान रखो कि जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इससे हमें ये पता चलता है नाभिक की एक ऐसी प्रकृति है जिससे हमें नाभिक की शेप के बारे में पता चलता है। हो सकता है नाभिक की शेप स्फेरिकल हो, ऑब्लेट हो, प्रोलेट हो, कैसी भी है, वो हमें इस डायग्राम से पता चलेगा, सॉरी इस
पूरे प्रॉपर्टी से पता चलेगा। इसको देखो इलेक्ट्रिक ऑर्डर पोल मोमेंट का यूज कैसे करते हैं, अपने मान लेते हैं कि ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे एटम, ये न्यूक्लियस और ये पूरा बाकी ऑर्बिटल ऑर्बिट्स हैं उसके। मैंने क्या मान लिया, ये एक न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स तो कैसे पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, बट प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मीन्स इसके अंदर क्या आप लोगों ने क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अपनों ने क्या मान लिया कि ये एक नाभिक है जिसके अंदर सारी जगह पे प्लस आवेश है। अब मैं नाभिक के अंदर प्लस आवेश इसलिए बोल रही हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस होती है। इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस कैसे होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में मैं करा चुकी हूँ। जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जाम्पल्स और जस्टिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर रहे थे, तब हमने किया था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एब्सेंस है। क्वांटम मैकेनिक्स में अपने आप में वो तो टॉपिक दो नंबर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, कैसे प्रूफ करो। तो अभी देखो अपनों ने क्या माना अभी तक, ये एक नाभिक है, ठीक है, जिसके अंदर प्लस चार्ज वितरित है। मैंने मान लिया कि इसके अंदर कोई क्यू चार्ज वितरित है, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, नाभिक के अंदर कोई क्यू चार्ज वितरित है और इस पूरे नाभिक का वॉल्यूम वी है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो मैंने मान ली रो। अब अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपल मोमेंट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को ही पढ़ना होता है। इसीलिए हम न्यूक्लियस से बाहर किसी पॉइंट पे क्या लेते हैं, विभव को निकालते हैं, पोटेंशियल को निकालते हैं। मैंने मान लिया कि इस न्यूक्लियस का सेंटर ओ है, ठीक है, और किसी पॉइंट पी पे, यानी ये जेड एक्सिस होता है, ठीक है, ये जेड एक्सिस क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सिस लिया जाता है, कोई भी एक्सिस ले सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें पता है ये 3D स्ट्रक्चर्स होती हैं, एटम कभी 1D 2D नहीं हो सकते, पूरा का पूरा शेप जो है वो 3D होते हैं, इसलिए हम स्टैंडर्ड एक्सिस जेड एक्सिस को लेते हैं। तो इसमें इतना घूमने वाली बात नहीं है। आप इतना ध्यान रखना कि एक नाभिक लिया हुआ है जिसके अंदर क्यू चार्ज वितरित है, जिसका वॉल्यूम वी है और चार्ज डेंसिटी रो है। मैंने मान लिया कि उस नाभिक का सेंटर ओ है, जेड एक्सिस पे किसी बिंदु पी पे हमें विभव को निकालना है, क्योंकि क्वाड्रोपोल मोमेंट न्यूक्लियस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही बताती है, और पोटेंशियल भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है ना। विभव आता क्यों है, जब हमारे पास कहीं चार्ज होगा, है ना, किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल देखना है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या, कैपिटल आर, ओ और पी के बीच की डिस्टेंस, मीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और जो पी पॉइंट पे में इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है। इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है, इसीलिए हम उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल को निकाल रहे हैं। देखो पोटेंशियल निकालने का ये रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट का मतलब ही है कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगा। तो चार्ज है तो पोटेंशियल आएगा, और कैसे ये चीजें होती हैं, जब तक इस टॉपिक के एंड में पहुंचेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, कोई मैंने वॉल्यूम एलिमेंट लिया या अल्पांश ले लिया, ठीक है। मैंने मान लिया उस अल्पांश में, ये जो मैंने दिखाया क्यूब स्ट्रक्चर, इस अल्पांश के अंदर मैंने मान लिया चार्ज क्या है, डी क्यूब, और इस अल्पांश का वॉल्यूम क्या है, dV। अब मुझे क्या मान लिया कि सेंटर से इस अल्पांश की डिस्टेंस स्मॉल r है और O टू P की ये डिस्टेंस है वो a, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या लिया कि z एक्सिस लिया, सेंटर है न्यूक्लियस का O जिसके अंदर q चार्ज वितरित है, उस नाभिक का आयतन v है और उसकी चार्ज डेंसिटी रो है। मैंने क्या लिया आगे, z एक्सिस पे कोई बिंदु p स्थित है जिसके लिए मुझे विभव का मान निकालना है। अगर मुझे विभव का मान निकालना है तो मैंने मान लिया O और उस बिंदु P पे, यानी जेड एक्सिस पे स्थित उस बिंदु P पे के बीच की डिस्टेंस R है। मैंने कोई वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, वॉल्यूम एलिमेंट जब हम लेते हैं ना, इन सब चीजों का मतलब ये होता है कि अगर हम छोटे से पार्ट को, वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इतना बड़ा न्यूक्लियस उसमें मैंने कोई इतना सा हिस्सा उठा लिया, तो हमारे पास तो मैथ्स में बहुत बड़ा हथियार है इंटीग्रेशन। जब भी हम छोटी सी चीज को अगर हमें बड़ा करना है तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ऐसे ही लिया जाता है क्वाड्रोपोल मोमेंट में कि अगर आप एलिमेंट को लेके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे न्यूक्लियस की बात ही आ जाएगी, और इतने बड़े न्यूक्लियस को पढ़ना उसके बजाय छोटे से एलिमेंट को स्टडी करके कुछ रिजल्ट्स निकालने ज्यादा ईजी होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एलिमेंट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर रो लगाऊं तो मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर प्लस स्मॉल आर वेक्टर क्या आएगा, और यहाँ से अगर मुझे ए वेक्टर निकालना, मैं क्या करूंगी, इस वॉल्यूम एलिमेंट के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल दूंगी। अगर मैंने वॉल्यूम एलिमेंट के कारण पोटेंशियल निकाल लिया तो मुझे पता है मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो पूरे के पूरे चार्ज, पूरे के पूरे नाभिक के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उनके कारण मैं इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल सकती हूँ। कैसे, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने ए डिस्टेंस यहाँ पे क्यों निकाली, देखो मैंने ये तो वेक्टर रोल लगाया, मैंने डायरेक्शंस बनाई है कि सेंटर से इस पॉइंट पे निकालना है ना, मतलब जितना भी चार्ज इस नाभिक के अंदर पड़ा है उसके कारण मुझे इस बिंदु पी पे निकालना। तो मैंने क्या किया है, हमारे पास
एक चीज है, जैसे वॉल्यूम एलिमेंट का निकाल लूंगी मैं, डी क्यू चार्ज की करंट पोटेंशियल निकालू तो मैं इंटीग्रेशन कर दू, मुझे पता है इंटीग्रेशन का मतलब ही सम होता है, तो सबका जोड़ यानी सम मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। इसीलिए मैंने क्या लिया, मेरे को अगर किस चार्ज के कारण, किस वॉल्यूम एलिमेंट के कारण निकालना तो मुझे डिस्टेंस भी ये ए चाहिए। तो यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब आपको पता है जब सब्सट्रैक्शन हो रहा होता है तब रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है, ए इज इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कोस ऑफ थीटा। देखो अगर ये चीज आपको नहीं पता ना तो कोई फायदा नहीं है, मैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी ये चीज आपको करवा चुकी हूँ, है ना। तो इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लेना, इसको दे लेना इक्वेशन नंबर वन। अब मुझे पता है पोटेंशियल होता कितना है, मैंने आप देखो पहली बात है, आप हम देखते हैं वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, मुझे पता है कि इस पूरे के पूरे नाभिक के अंदर जो मैंने वॉल्यूम एलिमेंट लिया उसका कितना वॉल्यूम डी वी है और चार्ज कितना डी क्यू, मुझे चार्ज डेंसिटी पता है कितनी आएगी, यानी कि आवेश घनत्व। घनत्व का मतलब मैंने लिया कितना रो लिया, घनत्व का मतलब क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम एलिमेंट के लिए निकाल रही हूँ, इस अल्पांश के लिए निकाल रही हूँ तो डी वी अपॉन डी क्यू, तो यहाँ से इस अल्पांश के अंदर चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी इंटू वी। इसको आप दे लो इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ आई होगी कि वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना, सिंपल रो क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज, चार्ज डेंसिटी तो पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज, मास डेंसिटी होता तो पर यूनिट वॉल्यूम पे मास, डेंसिटी नहीं सी पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी तो पर यूनिट वॉल्यूम पे नंबर, ठीक है। तो मैंने चार्ज निकाला डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, मुझे पता है किसी पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, इसके लिए मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 11th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बिंदु पी पर विभव कितना आएगा पोटेंशियल, मैंने मान लिया कि वो वॉल्यूम एलिमेंट है, मैंने उसके लिए मान लिया डी फाइव, पोटेंशियल को क्या शो किया डी फाइव। मैं एलिमेंट की बात करूँ तो मैं डी डी लगाती जा रही हूँ, जब मैं टोटल निकालूंगी तो मैं फाइव निकालूंगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे अभी अपने करते हैं, तो मुझे पता होता क्या है डी फाइव की वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट, होती क्या फाइव की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू आपने भी लिखा होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, यही लिखा है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस वॉल्यूम एलिमेंट के कारण, ये वाले वॉल्यूम एलिमेंट के कारण बिंदु P पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है मुझे। तो अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, चार्ज मुझे पता है क्या है डी क्यू, है ना, Q1 नहीं होता के क्यू अपॉन आर होता है, देख लेना चाहे आपके जहां पे K की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो मुझे पता है चार्ज तो मैंने निकाल लिया, क्या आया मेरा डी क्यू की वैल्यू क्या है इस वॉल्यूम एलिमेंट में, चार्ज रो डी वी। डिस्टेंस बोल लेते हैं जो दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है ए, देखो कैसे आए, मैं निकाल के आ रही हूँ इस वॉल्यूम एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल रही हूँ, तो मुझे इस वॉल्यूम एलिमेंट का चार्ज चाहिए जो कितना डी क्यू, उस डी क्यू की वैल्यू मैंने निकाल ली और डिस्टेंस चाहिए वो है ए, तो अब मैं वही वैल्यूज यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी डी क्यू अपॉन ए, इसीलिए मैंने यहाँ से ए की वैल्यू निकाली थी, इसीलिए मैंने यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाली। मैं डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर दो से लिखती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू d5 की वैल्यू कितनी है रो, सॉरी रो dv अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, यही चीज आएगी डिस्टेंस a। अब मेरे पास इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर थ्री, मुझे a की वैल्यू पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, a की वैल्यू मैं अभी निकाल चुकी हूँ ना, क्या निकाली है a इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कोस ऑफ थीटा, यही वैल्यू आई है। तो मेरे को जब आर स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से बाहर लेना हूं, मैं चलो अपने को क्या चाहिए वन अपॉन ए चाहिए ना, क्योंकि ये देखो कहीं ना कहीं ये वन अपॉन है, तो मैं इसको वन अपॉन ए में कन्वर्ट कर लेती हूँ। वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कोस ऑफ थीटा, यही चीज आई। अब मैं देखो इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं इस चीज को, ए की वैल्यू वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई, वन अपॉन मैं क्या करती हूँ उसमें से आर स्क्वायर ले लेती हूँ कॉमन, अगर मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया
तो मैं चलो यहाँ पे पूरा स्टेप लिख लेती हूँ, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कोस ऑफ थीटा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस इक्वेशन में क्या करती हूँ, ये वन अपॉन ए इज इक्वल्स वन अपॉन रूट, मैं आर स्क्वायर पूरी इक्वेशन में कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, वन इधर आर स्क्वायर गया वन, और इधर क्या बचा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इधर क्या बचा माइनस टू आर आर कोस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो अब क्या बचा मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या आई वन अपॉन, मैं आर स्क्वायर रूट से बाहर लूंगी तो स्क्वायर वैल्यू हट जाएगी, तो वन अपॉन आर रूट में वन प्लस, मैं ऐसे लिख देती हूँ उसको, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू आर अपॉन आर स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है वन अपॉन आर इंटू में, कैसे लिख रही हूँ मैं देखो, ब्रैकेट वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू आर अपॉन आर, ये आ रही है ना सॉरी, स्क्वायर टू स्क्वायर कट गया ना, मैंने स्क्वायर वापस लगा दी गलती से, वो नहीं आएगी, कोस ऑफ थीटा होल की पावर कितनी है माइनस वन बाय टू, प्लस की वन बाय टू गई ऊपर गई माइनस में चेंज हो गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, द्विपद प्रमेय, उसमें क्या होता है वन प्लस एक्स की पावर एन होती है, तो क्या बनता है वन प्लस एन एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स की क्यूब प्लस सो ऑन। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं तो वन पड़ा एक्स की जगह ये सारी टर्म आ गई, पावर एन की जगह कितनी आ रही है माइनस वन बाय टू, तो मैं क्या लगाऊंगी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगी उसको और सोल्व करने के लिए, तो वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई वन अपॉन आर, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लगा रहे हैं तो मैंने क्या किया वन को एज इट इज रखा, क्योंकि वन एज इट इज रहते हैं यहाँ पे भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया वन एज इट इज, फिर n into x upon x factorial, x को as a whole ये treat कर रहे हैं, कौन treat कर रहा है x की तरह, ये चीज x की तरह, और n की value कितनी है minus one by two, तो वही value मैं यहाँ पे put करूँगी minus one by two, कैसे ये power जब ऊपर गई तो minus में हो जाएगी है ना, तो वही मैं अब यहाँ पे लगा रही हूँ, तो मैंने क्या लगाया n x, n आया आगे minus one by two r square upon r square minus, minus था या plus था, माइनस का टू आर अपॉन आर कोस ऑफ थीटा। अब फिर से क्या आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो प्लस आता है लेकिन हमारे एन की वैल्यू माइनस में है इसलिए मैं माइनस में लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया प्लस एन की वैल्यू माइनस वन बाय टू, फिर क्या आता है एन इंटू एन माइनस वन, तो एन माइनस वन की जगह क्या लिखूंगी माइनस वन बाय टू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है टू इंटू वन, टू फैक्टोरियल कितना होगा टू इंटू वन दैट इज टू, तो मैं फैक्टोरियल हटा दूं क्या, और मैंने देखो एक और चीज की थी यहाँ पे वन फैक्टोरियल लिखा नहीं बिकॉज वन फैक्टोरियल में वन ही आएगा तो वन को बार बार लिखने का क्या फायदा, इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू आर अपॉन कैपिटल आर कोस ऑफ थीटा, इसको ये वाला ही ब्रैकेट रह जाएगा, चाहे आप कोई भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने वहां पे वो लगा दिया था इसलिए मैं ये हटा रही हूँ, प्लस सो ऑन करता चलता रहेगा, ठीक है काफी लंबा तक चलता रहेगा, मुझे सिर्फ जब आपको क्वाड्रोपोल मोमेंट आपको मोनोपोल निकालना है तो आपको स्क्वायर ही चाहिए, जब आपको क्वाड्रोपोल निकालना हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तीन पावर तक सोल्व करो, लेकिन जब आप ऑक्टोपोल में जाओगे तो आपको चार पावर की जरूरत है, हमारा काम इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल को फाइंड आउट करने का काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं, वन अपॉन ए की वैल्यू क्या है वन अपॉन आर को पड़ा या एज इट इज वन माइनस, इसको सोल्व करो वन बाय टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस की जगह अब आया प्लस टू से ये वाले टू से ये वाला टू गया तो मैंने सीधा कैंसिल करके लिख देती हूँ आर अपॉन आर कोस ऑफ थीटा, देखो इधर क्या है एक्स की स्क्वायर भी थी ना मैं स्क्वायर लगाना भूल चुकी हूँ तो अब मैंने लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। कैसे फॉर्मूले का के अंदर क्या था एक्स स्क्वायर फिर एक्स की क्यूब, मैं स्क्वायर लगाना भूल गई थी मैंने अब लगा दिया, ठीक है।
यहाँ पे क्या चीज बनी, माइनस वन बाय टू और इंटू ये क्या चीज बना, माइनस थ्री बाय टू, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ठीक है, टू इंटू टू इज फोर और नीचे एक और दो पड़ा है, फिर से इंटू में टू गया एट, यानी कि यहाँ पे क्या बचा प्लस थ्री बाय एट, यही चीज बची है, करके देखो यही चीज बचेगी। अब इसके अंदर क्या लगाते हैं, स्क्वेयर है तो यानी कि आर की पावर फोर अपॉन आर की पावर फोर माइनस, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, फोर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस फोर आर की क्यूब अपॉन आर की क्यूब कोस थीटा प्लस सो और करके ये चलता रहेगा। जब इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कितनी आती है, वन अपॉन आर ब्रैकेट वन प्लस सिंगल वाले टर्म्स को एक साथ लिखना जिसमें कोई पावर नहीं है, यानी कि पावर वन है, आर अपॉन आर कोस ऑफ थीटा। देखो बाकी जब सारी चीजें आप सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करने पास करने पे आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनेगा, वो मैं यहाँ पे सीधा लिख लेती हूँ, आर अपॉन आर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर थ्री कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म्स को लिखो, हायर ऑर्डर्स को नेगलेक्ट कर दो, जब भी हमें क्वाड्रोपोल निकालना है तो हमें सिर्फ पावर टू की जरूरत है, जब हमें ऑक्टोपोल या फर्दर निकालने हो अपने को मैग्नेटिक मोमेंट्स को तब हम अलग तरीके से लेंगे। देखिए अभी अपना काम इतने से चल जाएगा, और अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही आप अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व करना, सिर्फ और स्क्वायर ऑफ स्क्वायर वाली पावर्स को एक साथ लिखना तो आपके पास यही वैल्यू बनेगी, ठीक है। क्या बनी है इसकी वैल्यू, वन प्लस आर अपॉन आर कोस ऑफ थीटा प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर थ्री कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये आप अपनी रफ शीट में सॉल्व करके देखो, एज इट इज यही रिजल्ट आएगा आपके पास। तो आप देखो ये मेरे पास अब क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, मैं इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लेती हूँ जो मैंने नहीं दी हुई है, इक्वेशन तीन तक दे चुकी हूँ मैं, तो अब इसको दे दी इक्वेशन नंबर चार। अब इक्वेशन नंबर चार दे दी तो मैं अब क्या करना है, मुझे निकालना क्या था, हमारा मेन पर्पस क्या था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल को निकालना था, वही मैं निकालने की ट्राई कर रही हूँ। मैंने क्यों ट्राई की, मैंने वन अपॉन ए को सॉल्व क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वन अपॉन ए बन रहा था, उस वन अपॉन ए को सॉल्व करना जरूरी था, तो उसको सॉल्व करके वो वैल्यूज मैंने रखी। अब आगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये चीज आपकी डायरेक्ट आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अपनी रफ शीट में सॉल्व करना, हायर ऑर्डर्स को नेगलेक्ट कर देना, सिर्फ स्क्वायर और सिंगल पावर वन वाली ऑर्डर को एक साथ रखना, बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट करने पे आपके पास यही वैल्यू आएगी वन अपॉन ए की, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, मैंने क्या निकाला था, इक्वेशन नंबर थ्री क्या थी, डी फाई इज इक्वल टू रो डी वी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, रो डी वी क्या था, चार्ज। अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी, मैंने आपको बोला था ना एट पॉइंट पी, जब मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो मुझे पता है मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, रो डी वी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। देखो रो डी वी का इंटीग्रेशन किया बिकॉज एलिमेंट के अंदर, इस डी वी एलिमेंट के अंदर चार्ज ही बदल रहा था, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना वॉल्यूम कम होगा चार्ज उतना कम होता जाएगा, तो मैंने इसी के ऊपर इंटीग्रेशन लगाया, बाकी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ए तो सारे कॉन्स्टेंट ही है, ए डिस्टेंस है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट ही होती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, मैं डी फाई का करूंगी तो फाई आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी, इंटीग्रेशन ढंग से बनाना, इंटू ए, ए की मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ, दैट इज वन अपॉन ए, वन अपॉन ए की वैल्यू मैंने जो भी निकाली है मैं यहाँ पे रख दूंगी, मैंने वन अपॉन ए की वैल्यू निकाली है, ध्यान रखना आप उल्टा मत लिखना कभी भी। अब देखो मैंने जो वैल्यू निकाली है वो लिखूंगी, फाई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन ए की मेरे पास वैल्यू क्या आई है, वन अपॉन आर, मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा रही हूँ, वन अपॉन आर ब्रैकेट वन प्लस आर अपॉन आर कोस ऑफ थीटा प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर थ्री कोस स्क्वायर थीटा। अब पता नहीं आगे क्या है, देखते हैं, मैंने यही वैल्यू रखी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये किसकी वैल्यू रखी है मैंने, वन अपॉन ए की, इसकी
पूरी मैंने रख दी, इंटीग्रेशन में क्या है रो डीवी, यही चीज है। अब देख सकते हो 1/a की वैल्यू जो मैंने निकाली थी मैंने वो रखी है, यहाँ तक की 1/a की वैल्यू थी, हायर टर्म्स को निगलेक्ट करते मैंने वो वैल्यू रख दिया। आगे इसको सॉल्व करते हैं, मैं आगे क्या करूंगी रो डीवी को इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैं अब देखो क्या करती हूँ, मैं इधर ही कर रही हूँ ताकि इक्वेशन वापस से लिखने की जरूरत ना पड़े। मैं डेरिवेशन पूरा एक बार और आपको बताऊंगी कि मैंने डेरिवेशन में क्या चीज की है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। तो फाई की वैल्यू क्या आई है 1/4π ε₀, तो यूनिवर्सल मल्टीप्लाई में चल रहा है सबके साथ। यूनिवर्सल मतलब कहने का मेरा कि सबके साथ ही मल्टीप्लाई में चल रहा है। रो डीवी का मैं मल्टीप्लाई करते जाती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया 1/r है ना। रो डीवी का 1 से करूंगी तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी प्लस, यही चीज है। अब इसके साथ तो मैंने कर दिया इंटीग्रेशन और रो डीवी का, r/r इंटीग्रेशन रो डीवी, कोस थीटा पे पड़ा था ना तो रो डीवी से पहले कोस थीटा लिख देते, कोस ऑफ थीटा रो डीवी प्लस इस टर्म में करो इंटीग्रेशन r²/2r² 3 cos² थीटा -1 ρ dV। ये dV मैं नीचे लिख लूँ शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, फाई की वैल्यू आई। जो जो वैल्यूज आई मैंने सिर्फ रो डीवी का मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया। आप ध्यान से देख लो इस इक्वेशन में वही चीज की है ना। अब मैं क्या करती हूँ इस 1/r का भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं करूंगी तो फाई इज इक्वल्स टू 1/4π ε₀ तो एज इट इज पड़ा है। 1/r का किया तो यहाँ पे क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी इंटू 1/r, यही चीज बनी प्लस 1/r को मैं बाहर ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बना 1/r², ठीक है, r cos ऑफ थीटा रो डीवी प्लस 1/2r³। मैंने सिर्फ कैपिटल r बाहर ली है, ठीक है, और ए r का मल्टीप्लाई करते जाती हूँ तो वहां पे जहाँ पे सिंगल पावर थी वहां पे स्क्वायर हो रहा है, जहाँ पे स्क्वायर था वहां पे क्यूब होता जाए, r² 3 cos² थीटा -1 ρ dV। ये किसकी वैल्यू है, इसको मैं दे लेती हूँ इक्वेशन नंबर 5 जो मैं नहीं दी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 पे इन इंटीग्रेशन की वैल्यू रखते हैं। ये टॉपिक आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, डेरिवेशन में आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं यहाँ पर तो इंटीग्रेशन की वैल्यू रखती हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 5 से अपने मिलेक्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी जो है मैंने क्या निकाला। देखो आप बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन पे चलो, ये देखो रो डीवी क्या मैंने निकाला, डी क्यू। अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन कर दूंगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी आएगा। और वैसे भी अगर आप देखो तो मैं रो डीवी का एक वॉल्यूम एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दूं तो सारा का सारा चार्ज ही आएगा ना, तो वो चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो रो डीवी की वैल्यू तो किसकी इक्वल आई, चार्ज के। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ, अगला इंटीग्रेशन मेरे पास क्या बना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की वैल्यू को अज्यूम किया गया, ये इंटीग्रेशन बना, इसकी तो मैं वैल्यू रख चुकी हूँ, अब इसकी रखती हूँ। तो ये देखो क्या है, रो इंटू आर कॉस ऑफ थीटा डीवी, सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे लिखे हैं। अब जब आपको आपको पता हम 3D की बात करते हैं, 3 dimensions की बात करते हैं, और जब जेड एक्सिस लेते हैं तो जेड की वैल्यू आते हैं पर्टिकुलर, उस जेड की वैल्यू हमेशा आर कॉस ऑफ थीटा ही आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आर कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू रख दी। लेट करते हैं ये, जब आप जेड एक्सिस की बात करते हो तो आर कॉस थीटा को हमेशा जेड लेते हैं 3D में, ठीक है। तो रो जेड डीवी है ना। अब ये देखो रो डीवी क्या है, चार्ज है ना, और z क्या है, डिस्टेंस। अब आपको पता है चार्ज इंटू डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डायपोल है ना। तो इसको हम लेट कर लेंगे कोई P1, तो ये जो होता है ना, ये जो टर्म है जिसमें सिर्फ q चार्ज है इसको बोलते हैं मोनोपोल, ठीक है, एकल ध्रुव। तो देखो चार्ज इंटू डिस्टेंस इज ऑलवेज डायपोल, नहीं पता तो 12th क्लास की बुक खोलो, आपको सब चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी, पोटेंशियल का फॉर्मूला भी याद आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण भी याद आएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डायपोल, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कैसे लिखा, रो डीवी की वैल्यू तो हमेशा ही क्यू के इक्वल आ रहा है, क्यू के चार्ज, तो चार्ज इंटू दूरी।
दूरी, आवेश इनटू दूरी क्या आता है डाइपोल। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने क्या लेट की है पी वन। सिमिलरली एक और चीज मेरे पास आई है रो इंटू आर स्क्वायर ब्रैकेट थ्री कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू डीवी। तो यहाँ पे देखो सिमिलरली मैंने जेड को क्या माना आर कोस ऑफ थीटा एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए यही इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की वैल्यू रखूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता है यहाँ क्या क्या बनेगा, रो आर स्क्वायर का मैंने क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बना थ्री आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर, यही होगा ना माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा डॉट डीवी। तो मुझे पता है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ जेड स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये यूनिवर्सल मैथ्स में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो सर्कल के लिए ये चीज हमेशा ही आएगी। जब हम थ्री डायमेंशन की बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं फाई थीटा और आर डिस्टेंस पे जाते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में कॉनिक सेक्शन वाली बुक पढ़ी है पोलर कोऑर्डिनेट्स, आई थिंक फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है उसमें आपने ये सब चीजें की हुई है, इसीलिए आपको यहाँ पे सीधा डायरेक्ट रिजल्ट यूज किए जाते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है रो थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डॉट डीवी, तो ये चीज आई। तो यहाँ से देखो इसको मैं क्या मान लेती हूँ पी टू, ये जो चीज होती है यही क्वाड्रोपोल मोमेंट को शो करती है थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही क्वाड्रोपोल डिस्टेंस होती है और इसी की वैल्यू को क्या माना जाता है क्वाड्रोपोल मोमेंट। मैं क्यों एम लिख रही हूँ, ठीक है, जो ये फॉर्मूला है ना यही क्वाड्रोपोल मोमेंट है। इस चीज का यूज आप जब आप कभी भी इसका एग्जाम दोगे जीआरएफ या नेट का एग्जाम देते हो तब आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला आते हैं, वहां पे डायरेक्ट आता है कि डिस्टेंस ये है तो क्वाड्रोपोल मोमेंट फाइंड आउट करो। वहां पे आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि रो यानी कि चार्ज इंटू थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस डिस्टेंस का मल्टीपल क्या आता है क्वाड्रोपोल होता है। वापस से देखते हैं रो डीवी क्या आया चार्ज आया रो इंटू जेड रो डीवी दैट इज ऑल्सो चार्ज, बट चार्ज इंटू डिस्टेंस इज डायपोल, बट चार्ज इंटू यहाँ पे मैं ऐसे लिखती हूँ चार्ज इंटू थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को बोलते हैं क्वाड्रोपोल मोमेंट चतुर्ध्रुव आवरण, ये डिस्टेंस ही क्वाड्रोपोल मोमेंट को शो करती है। इसीलिए मैंने कहा था स्क्वायर वाली टर्म के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, ये आपके लिए डायरेक्ट पेपर में आता है फॉर्मूला। जब आप बीएससी करने के बाद एमएससी करने के बाद आप एग्जाम्स दोगे या कोई एंट्रेंस टेस्ट दोगे किसी फर्दर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो वहां पे ये चीजें आपके लिए डायरेक्ट यूज कर आती है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से, ऑलमोस्ट एक आधा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो मैंने ये सारी वैल्यूज जो निकाली है इनको मैं क्या करती हूँ समीकरण पांच में रखती हूँ। जब मैं समीकरण पांच में इन सारी वैल्यूज को रख रही हूँ तो मुझे पता है फाई की वैल्यू क्या आएगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा साथ में मल्टीप्लाई में चलता जा रहा था इनटू वन अपॉन आर भी पढ़ा था क्या यहाँ पे, ये पढ़ा वन अपॉन आर इंटू पी जीरो। पी जीरो क्या मैंने माना है ये मोमेंट्स को शो करने के लिए माना, वैसे तो ये चार्ज होता है पी जीरो मैंने मान लिया मोनोपोल को शो कर रहा है, सारी की सारी इक्वेशन पीज में आ जाएगी पी टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा P0 अपॉन R, R तो एज यूजुअल चलता जा रहा था प्लस मैंने अगले इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको पता है मैंने क्या मानी है P1 मानी है P1 इनटू जो डिस्टेंस चल रही थी 1 अपॉन R स्क्वायर मैं वो डिस्टेंस लिख रही हूँ अपॉन R स्क्वायर प्लस अगला मैंने जो इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू कितनी मानी P2 वो किसके इक्वल आया था क्वाड्रोपोल के, तो P2 के साथ मल्टीपल में क्या आ रहा है 1 अपॉन 2R की क्यूब अपॉन में 2R की क्यूब, तो यही क्या चीज है क्वाड्रोपोल मोमेंट को शो करती है। और यहां से देखो कैसे पता चलता है कि इसमें आप ये भी लिखोगे बकायदा P0 is equal to this monopole moment यानी कि P0 is equal to हमने क्या माना है रो डीवी और P1 क्या माना है रो R डीवी P2 क्या माना है रो 3R z square इसको R के हम z लिखेंगे माइनस आर स्क्वायर डॉट डीवी, इसको क्वाड्रोपोल मोमेंट इसको डायपोल मोमेंट इसको मोनोपोल मोमेंट बोलेंगे। अब देखो ये आई क्यू की वैल्यू, मैं डायरेक्ट क्वाड्रोपोल मोमेंट बता रही हूँ, मैंने क्या बोला लेक्चर स्टार्ट करते टाइम एक चीज बोली थी क्वाड्रोपोल मोमेंट हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है कि जो मान रहे थे कि नाभिक की शेप जो हमेशा गोलिया होगी स्फेरिकल शेप होगी वो चीज गलत होती थी, कैसे गलत होती है वो यहाँ से पता चलेगी। देखो मैंने क्वाड्रोपोल मोमेंट क्यू से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है तो मैं मान लेती हूँ क्वाड्रोपोल मोमेंट क्यू है, ठीक है, क्यू की वैल्यू मैंने बोली कितनी कितनी आएगी क्वाड्रोपोल मोमेंट की ये वैल्यू आएगी ये वाली इंटीग्रेशन ऑफ
क्या है, क्यू की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ रो 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डॉट dv, ये किसकी वैल्यू आई है, क्वाड्रोपोल मोमेंट की आई है। अगर क्वाड्रोपोल मोमेंट की वैल्यू ये आई है तो मैं क्यू को क्या लिख सकती हूँ, रो dv तो है चार्ज, यानी कि क्यू इंटू 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से अब दो तीन केसेस बनते हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्वाड्रोपोल मोमेंट कैसे न्यूक्लियस की शेप रिलेटेड प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो कैसे डिफाइन करता है अपने वो देखते हैं। तो मैंने मान लिया क्यू, ये अपने को पता है जब हम स्फेरिकल की बात करते हैं, स्फीयर की बात करते हैं, तो हम थ्री डायमेंशन पे मूव करते हैं। तो थ्री डायमेंशन में मुझे पता है आर स्क्वायर डिस्टेंस कितनी होती है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, ये इक्वल ये डिस्टेंस होती है। अब मैं करती हूँ केस वन, या हम नेक्स्ट स्लाइड पे केस करते हैं ताकि तीनों डायग्राम एक साथ बन जाए। मैंने क्यू की वैल्यू लिख दी, क्या है मेरे पास, क्यू इंटू 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल आई है। और जहाँ पे आर स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सब चीजें फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो केस वन, केस वन क्या बनता है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाए, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाए, यानी आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, 3z स्क्वायर के। अगर आर स्क्वायर 3z स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो मुझे पता है क्वाड्रोपोल मोमेंट क्यू कितना होगा, q into q that is charge 3z square मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, r square की एक वैल्यू मैंने रख दी, तो माइनस में क्या वैल्यू आई, 3z square to 3z square कैंसिल, तो q की वैल्यू कितनी आई, जीरो, यानी क्वाड्रोपोल मोमेंट कितना आया, जीरो। क्वाड्रोपोल मोमेंट जीरो मतलब चार्ज की सिमेट्री कैसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्री। तो मतलब जब हम डायग्राम बनाएंगे z एक्सिस की अलोंग तो हमें कैसा मिलेगा, स्फीयर मिलेगा, मतलब न्यूक्लियस की शेप कैसी होगी इस केस में, स्फेरिकल, नाभिक की आकृति कैसी होगी, गोलीय। अब अगला केस करते हैं, केस थ्री, सॉरी केस सेकंड। तो केस सेकंड में मैंने मान लिया, दो केस और बनेंगे, एक केस मैं ले लेती हूँ जब क्या हो, चलो मैं दोनों केस अपने एक साथ करते हैं। ये अब केस थर्ड, देखो केस सेकंड में मैं ले लेती हूँ जो क्वाड्रोपोल मोमेंट में ये तो टर्म है यही अपने को वैरी कर रही है बार बार, 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एक बार ले लेती हूँ 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर, और एक बार ले लेती हूँ 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। अगर 3z स्क्वायर ग्रेटर देन है तो मुझे पता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो क्यू की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पे देखो छोटी डिजिट माइनस बड़ी डिजिट, तो q की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव, यानी कि q इज ऑलवेज लेस देन जीरो। तो अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं जब q ग्रेटर देन हो लेस देन हो। एक बार इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ओवलेट स्फीयरॉइड, और एक बार बनेगी, तो एक बार देखो जब ग्रेटर देन है q पॉजिटिव होता है तब स्ट्रक्चर बनती है प्रोलेट, और जब वो q लेस देन हो तो स्ट्रक्चर बनती है ओवलेट, ये ऑल शेप होती है, अंडे की आकृति जैसी शेप्स हो जाती है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलने से हमारे पास, सॉरी स्ट्रक्चर्स चेंज होगी ओवलेट और प्रोलेट की। ये होता है ओवलेट, सॉरी ये होता है प्रोलेट और ये होता है ओवलेट। तो ये आपको डायग्राम बनाने हैं पेपर के अंदर। तो जैसे जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, मतलब चार्ज चेंज होने के कारण वैसे वैसे न्यूक्लियस की शेप बदलती जाती है, तो क्वाड्रोपोल मोमेंट ये कंप्लीट होता है, पेपर में पूरा याद तक करना है आपको। तो किया हमने क्या है, न्यूक्लियस किया जिसके अंदर क्यू चार्ज था, रो वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर डिवाइड पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया। अगर एलिमेंट का निकाल दूं तो मैं इंटीग्रेशन करके सबका निकाल दूंगी, तो यहाँ से मैंने एक की वैल्यू निकाली, पोटेंशियल हमें पता ही सही होता है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज उसके अंदर पुट करके उसको हमने सोल्व किया है जितना सोल्व कर सकते थे, और सोल्व करने के बाद मैंने इंटीग्रेशन की कुछ वैल्यूज अज्यूम किए हैं, और वहां से हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलने से न्यूक्लियस की शेप बदली। तो जैसा मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में बोला था, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट एक ऐसी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है जो नाभिक की आकृति के बारे में बताता है, वो भी किसके बेसिस पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि चार्ज किस तरीके से वितरित है तो उसकी शेप किस तरीके से चेंज होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।